चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आयान आ गया हूँ फिर से एक नई और बेहतरीन वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है जो भी क्वेश्चन जाना चाहते हैं उनके लिए। तो मैंने एक वीडियो कल डाला था जिसके अंदर बहुत सारे व्यू आए, बहुत सारे कमेंट आए। तो बहुत सारा कमेंट कुछ इस टाइप का भी कमेंट था जहाँ पे बताया जा रहा था कि बुकिंग नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं उनके लिए बता दूँ कि आज लाइव प्रूफ है, मैंने कॉल करके एयरलाइन से खुद ही बात किया है। तो पहले जो भी बात हुआ है वो पूरा लास्ट तक सुन ले, उसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे। India's leading ultra low cost carrier. For information in English, please press 1. GoFirst offers charter flights for business or leisure travel. Book your GoFirst charter today and enjoy a flight tailored to your needs. We promise to ensure your utmost safety, comfort and privacy. Visit flightgofirst.com for more information. If you are a customer, press 1. If you are a travel agent, press 2. For domestic travel, press 1. Press 1 for flight status. Press 2 for cancellation or rebooking. Press 3 for baggage policy. Press 4 for name change policy. Press 5 for web check-in. For any other query, press 9. This call might be recorded for training and quality purpose. Hello. Good day, welcome to GoFirst. My name is Nisha, I'm assist you. Hello. Tell me, how can I help you? Can you please talk in Hindi? Okay. GoFirst में सर आपका स्वागत है, मैं निशा बात कर रही हूँ, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जी, कुवैत के लिए मुझे फ्लाइट चाहिए था सितंबर का। ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुकिंग स्टार्ट या नहीं है? डिपार्चर से जान सकती हूँ मैं? हाँ, केरला। केरला से कुवैत, राइट? राइट। हेलो, प्लीज आप मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। श्योर श्योर। हेलो जी, धन्यवाद लाइन पर बने रहने के लिए, लेकिन केरला से तो हमारी फ्लाइट नहीं ऑपरेट होती है। ओके, बट केरला से अभी मैंने नहीं, मतलब किसी और ने बात किया था अभी जस्ट, तो उन्होंने केरला से ही बताया था कुवैत के लिए। बट केरला से जैसे हम चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे कोई फ्लाइट केरला से नहीं करती हमारी फ्लाइट बोर्ड। नहीं नहीं आपकी की फ्लाइट मैंने गूगल पे भी अभी चेक किया। CNN केरला की है ना वो एयरपोर्ट, कन्नूर एयरपोर्ट। कन्नूर, वही सेम। ओके, आप कन्नूर, आप केरला बोले इसलिए सॉरी, एक्चुअली कन्नूर है, इसके लिए हम लोग मतलब पूछ रहे थे आपसे। कन्नूर से कुवैत, राइट? राइट राइट, तो वो तो केरला में ही पड़ता है ना। जी जी, लेकिन हम लोग वही पूछ रहे थे, तो माफी चाहती हूँ, कन्नूर से आप कुवैत के लिए बोलना चाहते हैं, राइट? मुझे लगा आप केरला से ही बोल रहे थे इसके लिए। नो नो, स्टेट तो वही है ना। इसके लिए जी जी, ओके, कौन सी डेट के लिए आप पूछना चाहते हैं? 1 सितंबर। ओके, प्लीज हमें सब लाइन पर बने रहिए। कि वन वे रहेगा कि राउंड ट्रिप रहेगा? वन वे रहेगा। ओके, आप भी चाहते हैं, कोई फ्लाइट अभी तक तो ऑपरेट नहीं कर रही है 1 सितंबर के लिए। 1 सितंबर के लिए नहीं कर रही है, 2 सितंबर, 3, ऐसा, मतलब सितंबर में किसी भी डेट को। ओके, बट मैंने मैम आपका जो साइट है, अच्छा, दो तारीख को है, 2 सितंबर को है। मैं आपको क्या डिटेल्स बता देती हूँ। जी बताइए। G861 फ्लाइट नंबर रहेगा आपका 2 सितंबर 2021 का, कन्नूर से कुवैत के लिए। ओके, कन्नूर से चलेगी 8:30 बजे रात को, कुवैत पहुंचेगी 11 बजे रात को, 5 घंटे लगेंगे। और इसका जो आपको फेयर लगेगा 25,670 रुपीज पर पर्सन पर सेक्टर, इंक्लूडिंग ऑल योर टैक्सेस और नॉन-रिफंडेबल कन्वेंस फी। व्हाट डिड यू से अबाउट प्राइस? 25,670 रुपीज, ओके, पर पर्सन पर सेक्टर, इंक्लूडिंग ऑल एयरपोर्ट टैक्सेस और 350 रुपीज जो नॉन रिफंडेबल कन्वेंस फी है। ओके, वो नॉन रिफंडेबल नहीं होगा इन केस अगर वो कन्वेंस फी नॉन रिफंडेबल रहती है। ओके, इन केस अगर मान लो कि 2 सितंबर को फ्लाइट नहीं जाता है, ठीक है,
तो फिर उसके बाद क्या रिफंडेबल होगा या फिर वो बुकिंग एक्सटेंड करेगा? अगर आपकी फ्लाइट एयरलाइन की तरफ से कैंसिल होती है राइट, तो राइट आपको विदाउट एडिशन कॉस्ट रीबुक करने का चांस मिलता है। ओके। इन केस अगर मुझे नहीं जाना हो 2 सितंबर को और डेट को आगे बढ़ाना है, तो फिर उसके लिए कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा? जी आप रीबुकिंग चार्जेस पूछ रहे हैं राइट, राइट राइट ओके प्लीज मेरे साथ टाइम पर बने रहिए, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ओके अगर आप विद इन 3 डेज और डिपार्चर करते हो रीबुक राइट, तो आपको जो हमारे स्टैंडर्ड रीबुकिंग चार्जेस होते हैं 3,000 रुपये रहते हैं, प्लस डिफरेंस इन फेयर माइट बी एप्लीकेबल पर कस्टमर पर सेक्टर। ओके अगर आप 3,000, मोर देन 3 डेज ऑफ 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज ओके 3 दिन पहले ओके अगर करता हूँ तो राइट, विद इन 3 डेज ऑफ डिपार्चर। ओके अगर उससे पहले अगर मैं आप करता हूँ। मोर देन 3 डेज ऑफ डिपार्चर करते हो ठीक है, तो हमारे जो स्टैंडर्ड रीबुकिंग चार्जेस होते हैं 2,500 रखते हैं, प्लस डिफरेंस इन फेयर माइट बी एप्लीकेबल फॉर पर कस्टमर पर सेक्टर। मैम ये समझ नहीं पा डोमेस्टिक रहा का हूँ है, मैं, डोमेस्टिक नहीं इंटरनेशनल का बताइए ना। मैं आपको दोनों का बता रही हूँ ओके। ओके अगर आप स्टैंडर्ड रीबुकिंग चार्जेस, हाँ अगर आप विद इन 3 डेज का डिपार्चर करते हो इंटरनेशनल का, राइट, तो हमारे जो स्टैंडर्ड रीबुकिंग चार्जेस है 4,000 रुपीज है, प्लस ओके डिफरेंस इन फेयर माइट बी एप्लीकेबल पर कस्टमर पर सेक्टर। ओके ओके मैम जी और आपने, अगर आप मोर देन 3 डेज का डिपार्चर, हाँ तो हमारे जो स्टैंडर्ड रीबुकिंग चार्जेस है इंटरनेशनल के लिए 3,500 रुपीज, प्लस डिफरेंस इन फेयर माइट बी एप्लीकेबल पर कस्टमर पर सेक्टर। ओके मैम इन केस अगर जैसे मुझे अगर 3-4 बुकिंग करना है एक साथ में या फिर ग्रुप बुकिंग करना है, तो उसके लिए क्या डिस्काउंट ग्रुप रहेगा? बुकिंग तो यहाँ से हम नहीं कर सकते, उसके लिए माफी चाहते हैं। ग्रुप बुकिंग के लिए आपको ग्रुप डेस्क में कांटेक्ट करना होता है, ग्रुप ओके डेस्क एडेट कार्गो फर्स्ट डॉट कॉम। ओके आई नो मैम, ओके मैम थैंक यू। ओके ओके तो मैं आपके लिए रीबुक आपके लिए बुक कर सकती हूँ, अगर आप मुझे ग्रुप करना बुक, चाहते हैं तो। नहीं नहीं एक्चुअली मुझे ग्रुप बुक चाहिए 10-15 लोगों के लिए एटलीस्ट, तो उसके लिए तो आपको ग्रुप डेस्क में कॉन्टेक्ट करना होगा सर। ओके मैम थैंक यू, अब आपका जितना भी डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया होगा जो भी आपने रिकॉर्डिंग सुना उससे, ठीक है। अभी भी लगता है अगर आपको कोई डाउट है मन में तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर आपको टिकट नहीं काटने आता तो आप नीचे अपना नंबर कमेंट करें, वो भी वर्ड में, मैं आपकी टिकट काटने में पूरी हेल्प करूंगा जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक। ओके तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके नीचे बताओ, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह आप अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। मैं मिलता हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, ध्यान रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।